क्या हुआ सर, बहुत ही परेशान लग रहे हैं? पैसों का प्रॉब्लम है या लड़की का चक्कर? लड़की, तब तो टेंशन लेना बनता है सर, दिल पर मत लीजिए ना। मन कुछ और कह रहा है और दिमाग कुछ और कहता है। तब तो मन की बात सुननी चाहिए, वो हमें कभी धोखा नहीं देता। I need your help. रिया को ढूंढने में मेरी मदद करो सत्या। Hey! बाबू खान, जरा गाड़ी मोड़ो। क्या बात है सर, दिल जीत गया ना। हेलो राम, मैं श्वेता को इस हालत में छोड़कर वहां नहीं आ सकता। वादा किया मैंने उसे, मैं उसकी मदद करना चाहता हूं। तू मेरे बारे में कुछ भी सोच, उस बच्ची को ढूंढे बिना मैं वापस नहीं आऊंगा। जी कहिए। 2 महीने पहले यहां से एक बच्ची किडनैप हुई थी। बच्ची इसी स्कूल में पढ़ती थी। किडनैप हुई थी? कब? जून 11th। स्कूल के बाहर माँ पर हमला हुआ था और वो बच्ची को उठा के ले गए। नहीं तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। ये आप क्या कह रही है? पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई है, आप कैसे कह सकती हैं कि कुछ भी नहीं हुआ? इस स्कूल के बाहर ही तो। नहीं, स्कूल के बाहर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लगता है आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। ये बताइए, वैसे आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? असल में मेरे बेटे को स्कूल में एडमिशन दिलवाना था, मगर कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ से किडनैपिंग्स होती हैं। ये सब अफवाह है सर, आपके बच्चे की सेफ्टी की गारंटी मेरी है। नथिंग टू वरी। मैडम, मैं कैसे वरी ना करूँ? यहाँ से किडनैपिंग हुई है और आज तक उस बच्ची को कोई नहीं ढूंढ पाया। ये देखिए, ये वो बच्ची, इसका नाम रिया है। आप किसी दूसरे स्कूल के इंसिडेंट के बारे में सुनकर गलत जगह आ गए हैं। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कितनी प्यारी बच्ची है। क्या ये किडनैप हुई है क्या? राहुल जी, मैं कल आ जाऊंगा, सारी बातें डिस्कस कर लेंगे। मैं पक्का आ जाऊंगा, आप फिक्र मत कीजिए। जरा एक मिनट सर, 2 महीने पहले यहाँ से एक छोटी बच्ची किडनैप की गई थी। आप उस हादसे के बारे में कुछ जानते हैं क्या? तुम कौन हो? मैं दरअसल अपने बेटे को स्कूल में वाले हो? नहीं सर, मैं सिक्योरिटी, इसे भगा दो यहाँ से। जी सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, मैं अपने बेटे को स्कूल में। सर सुनिए, यहाँ से सर, निकले यहाँ से सर प्लीज। इडियट, बेकार में बखेड़ा क्यों खड़ा कर रहे हैं सर? से कहना वैसे तुम होगा। मैं बालकनी में खड़ी हूँ, जस्ट गेटिंग सम फ्रेश एयर। कितनी बार कहा है बाहर खड़ी मत रहो। गौतम प्लीज। सत्या, मैं स्कूल की प्रिंसिपल से मिला था, वो कहती है कोई किडनैपिंग नहीं हुई। वो रिया को पहचानती तक नहीं है। हो सकता है उन्हें कुछ पता ना हो या फिर वो झूठ बोल रहे हो। स्कूल के बाहर किडनैपिंग हुई है, ये सच है। यानी कि वो स्कूल की रेपुटेशन बचाने के लिए हमसे झूठ बोल रहे हैं क्या? ऑफ कोर्स, उनका बिजनेस खराब ना हो इसलिए वो झूठ बोल सकते हैं। सत्या। श्वेता, तुम्हारे पास रिया की और कोई फोटोज हैं क्या? फिलहाल तो नहीं। देखो कोई भी चलेगी, तुम्हारे फोन में या फेसबुक पर समथिंग। मेरे तो फ्रेंड्स ना के बराबर ही हैं। फॉरगेट अबाउट दिस फेसबुक एंड ऑल। गौतम को ये सब पसंद नहीं है। एक बार पूछा तो कहने लगे कि मैं हूँ ना फिर ये सब। श्वेता, मैं रिया की फोटोज मांग रहा हूँ। फोटो नहीं है घर पर, एक भी फोटो नहीं है उसकी। हे बॉबी, बॉबी माय हस्बैंड्स ब्रदर, गो प्लीज, गो बॉबी प्लीज अभी। श्वेता मगर, मैं बाद में कॉल करूंगी। मैं कि घर में जरा चेक करके जाओ। कल रात को रेव पार्टी थी, बहुत मजा आया। एक रशियन ने क्या भारी माल दिया मुझे पता है। इट ब्लू माय माइंड। सुबह के 4 बजे तक मैं झूमता ही रहा। तुम भी ट्राई करोगे क्या? गौतम को फोन लगाऊं क्या? किस लिए? भाई को ये सब पसंद नहीं है ना। सॉरी सॉरी सॉरी। Sorry. इसी वक्त जाओ यहाँ से। Sorry. Okay, okay, okay. Just get the hell out of here. Sorry. तुम जाओगे या नहीं? देखो ये सब भाई को मत बताना, ठीक है ना? मैं भी तो तेरा भाई जैसा ही हूँ ना? नहीं हो क्या? Naughty. Bye. You sister, soul sister. I don't want a sister. गौतम जब भी बिजनेस के सिलसिले में दुबई जाता है तो इसे भेजकर मेरी खबर लेता रहता है। पता नहीं इस दरिंदे से मुझे कब छुटकारा मिलेगा। श्वेता, बॉबी का फोन नंबर या एड्रेस दोगी मुझे? देखो घबराओ मत, मैं यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करने ही आया हूँ, काम बिगाड़ूंगा नहीं। ग्राउंड फ्लोर। एक्सक्यूज मी सर, आप श्वेता को जानते हैं क्या? वो गौतम की वाइफ, वो 8th फ्लोर वाले ना? हाँ वही। उनकी बच्ची को आखिरी बार कब देखा था आपने? क्या उनकी कोई बेटी है? नहीं सर, यहाँ हर फ्लोर पर एक अपार्टमेंट है और हर अपार्टमेंट एक दूसरे से अलग है। सॉरी। ओके थैंक यू। आप कौन है और आपको ये सब डिटेल्स क्यों चाहिए? हेलो बॉबी। क्या 2 महीने पहले तेरे भाई की बच्ची किडनैप हुई थी ना? ए, कौन है तू? पुलिस वाला है क्या? हा? रिपोर्टर, टाइम्स ऑफ इंडिया। इडियट। हेलो सत्या, कहाँ हो तुम? शादी में आ रहे हो? मैं बस 10 मिनट में आ रहा हूँ दीदी। जल्दी आओ। हाँ मैं रास्ते में हूँ। वनिता अभी तक बच्चा? अरे आ जाएंगे। अरे राम कहाँ है? तुम आ गए और राम नहीं आया। हाँ उसकी ऑफिस में जरूरी मीटिंग थी ना दीदी, इसलिए नहीं आया। ऐसी भी कौन सी बड़ी मीटिंग है? अकेला भाई है, उसे आना चाहिए था ना। ये कोई समझेगा क्या? इनके लिए कोई नई बात है ये? पता है ये विनीता भी ना। हाँ वसंत नगर में एक स्कूल के सामने से एक छोटी बच्ची किडनैप हुई थी ना, उसके बारे में आपको जानते हो क्या? कौन सा स्कूल? मुझे नहीं पता। वही दीदी, वसंत नगर में एक प्री स्कूल के सामने से एक 4 साल की बच्ची किडनैप हुई है। पता नहीं सत्या, वैसे भी इस शहर में रोज कुछ ना कुछ होता रहता है और 2 दिन में सारे केस ठंडे हो जाते हैं। खतरा कितना बढ़ गया है। पता है ये भी कुछ 4 साल पहले राम के साथ ऑस्ट्रेलिया गया था। वो सगा भाई है तो भी नहीं आया, पर ये शादी में आ गया। अच्छा ये कौन है? ये भी मेरे भाई जैसा ही है। पता है बचपन में ये सभी हमारे घर में मस्ती किया करते थे, तब ये इतना सा था। उस उम्र में सब इतने से ही होते हैं। ये जोक था क्या? अच्छा तुम रहते कहाँ पर हो? मतलब माँ बाप भी यहीं रहते हैं या उन्हें ऑस्ट्रेलिया ले गए? चुप रहो ना, इसके मम्मी पापा नहीं हैं। तो मैंने क्या गलत कहा? चुप ही रहो। सुना है कि तुमने खुद ही यहाँ से ट्रांसफर मांगा है। मुझसे बोर हो रहे हो क्या? अरे बुद्धू, मैं वहाँ जा ही तेरे लिए रहा हूँ। 2-3 साल अच्छे से मेहनत करके पैसा कमाऊंगा और फिर तेरा हाथ मांगूंगा तो पापा मान जाएंगे। हो सकता है। ए श्वेता, आई लव यू। सुना ही नहीं दे रहा तुझे? ए, क्या बात है बे? मैंने तेरे बाप से उधार लिया क्या? क्या जवाब में एक बार भी आई लव यू नहीं बोल रही? ए, डैड का फोन है। आई एम लिविंग, मैं जा रही हूँ। श्वेता तू बोलती है कि तेरे बाप से बुलवाऊं? फिर कभी कह दूंगी। घर चलो तुम। श्वेता यहाँ क्यों आए हो? श्वेता तुम अंदर जाओ। कोई बात नहीं श्वेता, तुम यहीं रुको, हम दोनों प्यार करते हैं। मैंने कहा था ना कि तुम मुझे पसंद नहीं हो, साफ साफ कहा था ना, समझ में नहीं आया? तुम बुरे इंसान नहीं हो पर तुम्हारी करतूत ठीक नहीं है, थोड़ी भी तमीज नहीं है तुम्हें। मेरी बेटी से मेरे सामने प्यार का इजहार करते हो, तुम्हें गलत नहीं लगता होगा, पर मुझे लगता है। मेरी बेटी का मेरे ही सामने हाथ पकड़ना तुम्हें गलत नहीं लगता होगा, पर मुझे लगता है। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। आज अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा होते ना तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। दोष तुम्हारा नहीं, तुम्हारे चरित्र का है। दिक्कत परवरिश में नहीं है सर, उसे देखने वाली आंखों में। श्वेता की स्माइल पसंद है, उसका गुस्सा पसंद है, बोलने में कोई दिक्कत नहीं। वैसे प्यार करना भी गलत नहीं है। आपने सिर्फ इतना देखा कि मैंने श्वेता का हाथ पकड़ा हुआ है, पर क्या अब भी आपको इतना पता है कि ये मेरे साथ कितनी बार घूम चुकी है? क्योंकि उसे मुझ पर भरोसा है, इसीलिए मैंने आज उसका हाथ पकड़ा है। श्वेता के बिना मैं और मेरे बिना श्वेता बस जिंदगी बिता सकते हैं, बट उसे खुशी से जी नहीं सकते। देखो श्वेता की शादी किससे होगी इसका फैसला हो चुका है। पहले मैंने सोचा कि एक बार अपनी बेटी से भी पूछ लो, पर अब जबरदस्ती शादी कराऊंगा। वो लड़का तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं है, हीरा है वो, हीरा। वो इतना बड़ा बिजनेसमैन है कि तुम जैसों को तो काम पर रख सकता है। श्वेता उसी के लिए बनी है और मैं श्वेता की शादी उसी से करवा कर रहूंगा। नाउ लीव। श्वेता तुम उससे शादी करोगी ना? सोच के जवाब दो।